स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। सीएम हेमंत सोरेन एक बार फिर एक्शन में नजर आए। कोयला तस्करों से वसूली करते जोड़ापोखर थाने के इंस्पेक्टर के बॉडीगार्ड का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद सीएम ने ट्वीट करते हुए डीसी और एसएसपी को कार्रवाई का निर्देश दिया था। जांच के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए होमगार्ड के जवान को बर्खास्त कर दिया गया है। इस मामले में एसएसपी ने जोड़ापोखर इंस्पेक्टर से 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा है। मामला सत्य पाया गया। हालांकि जांच में यह भी पता चला कि यह वीडियो जो है वो लगभग 1.5 साल पुराना है, लेकिन जिन लोगों की प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी जो है वो सामने आई है उसमें होमगार्ड के एक जवान की संलिप्तता स्पष्ट रूप से दिख रही है। उसको तत्काल प्रभाव से सर्विस से जो है वो बर्खास्त किया गया है और वरीय पुलिस अधीक्षक के माध्यम से संबंधित जो थाना प्रभारी है उनको शो कॉज इशू किया गया है और उसके बाद से जो है वो उस पर निर्णय। तो सीएम हेमंत सोरेन एक बार फिर एक्शन में नजर आए। आपको बता दें कि हल्दीपोखर थाने के इंस्पेक्टर का बॉडीगार्ड अवैध रूप से वसूली कर रहा था, इसका वीडियो सीएम हेमंत सोरेन के संज्ञान में आया। उन्होंने इसकी गंभीरता को देखते हुए तुरंत कार्रवाई करने के लिए डीसी और एसपी को निर्देश दिया, जिसके बाद जांच के बाद उस होमगार्ड के जवान को बर्खास्त कर दिया गया। हमारे सहयोगी अरुण बनवाल हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, इस पूरी खबर पर उनसे चर्चा करेंगे। अरुण, जिस तरह से जो कार्रवाई हुई है, सीएम ने जो आदेश दिया था एसएसपी और डीसी को, उसके बाद कार्रवाई हुई है, इसको दो रूप में देखना चाहिए। एक तो जो जीरो टॉलरेंस की बात लगातार होती आई है सरकारों में कि भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, और दूसरा एक बहुत बड़ा संदेश इससे गया है कि सीएम हेमंत सोरेन के नजर में कोई करप्शन की, कोई भ्रष्टाचार की बात आई है और उसके बाद तुरंत कार्रवाई की गई। निश्चित रूप से सारिफ कहें तो देखिए, ये नए मुख्यमंत्री जो युवा भी हैं हेमंत सोरेन, उनकी ये दोनों जो जिस तरह का तुरंत क्विक एक्शन में आ जा रहे हैं, ये ना सिर्फ जीरो टॉलरेंस की और सरकार के बढ़ने का संकेत है बल्कि आम लोगों को भी इससे काफी राहत मिलने की अब तक तो यही परिदृश्य दिख रहा है। जहां तक इस वीडियो वायरल की बात करें हम, तो आज इस संदर्भ में डीसी ने कल ही इस पे एक्शन ले लिया था, चूंकि इस वीडियो को जब वायरल हुआ था ये वीडियो, तो किसी ने सीएम तक पहुंचा दिया था इसको, इस वीडियो को, और उनके ट्वीट के बाद यहाँ जिला प्रशासन और जिला पुलिस इस पे सक्रिय हुई, क्योंकि वो जो आरोपी युवक जो दिख रहा है वो अभी फिलहाल जोड़ापोखर इंस्पेक्टर का बॉडीगार्ड है जो होमगार्ड का जवान है, लेकिन जैसा कि जांच में पता चला ये लगभग 1.5 साल पुराना वीडियो है और ये किसी अन्य जगह पोस्टिंग में था उस समय ये होमगार्ड। हालांकि डीसी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए, चूंकि होमगार्ड के जो इंचार्ज होते हैं जिनके जिनके अधीन होता है वो डीसी के अधीन होता है होमगार्ड, तो उसके वो नौकरी से पदमुक्त करते हुए बर्खास्त कर दिया गया, जबकि जोड़ापोखर इंस्पेक्टर से 24 घंटे में एसएसपी ने इस पर जवाब मांगा है कि क्यों नहीं उनके खिलाफ ही कार्रवाई हो। तो कहें तो सारिफ देखिए, ये जो अभी जो नए जो मुख्यमंत्री हैं उनकी दो दो एक्शन धनबाद में तुरंत तुरंत देखने को मिली और दोनों ही ने ही एक बड़ा संदेश देने का उन्होंने प्रयास किया कि प्रशासन और पुलिस जनता से ऊपर नहीं है और अगर कहीं से कोई कोई प्रताड़ित करने वाला मामला आएगा या कहीं कोई भ्रष्टाचार में संलिप्त पाया जाएगा तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होगी। जी जाहिर तौर पर अरुण, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है, एक बहुत मजबूत संदेश गया है कि जो प्रशासन है या पुलिस है वो जनता की रक्षा के लिए है, उनकी सेवा के लिए है, ना उनसे ऊपर अपने आप को समझने की कोशिश ना करें, इससे एक संदेश गया। किस तरह की चर्चा है सीएम के ने जो ट्वीट को देखा और उसके बाद कार्रवाई का आदेश दिया और कार्रवाई हुई है, उसके बाद किस तरह का संदेश वहां पर देखने को मिल रहा है, किस तरह का माहौल, किस तरह की चर्चा वहां पर सुनने को मिल रही है आपको? सारिफ देखिए, ये जो कोयलांचल है ये ऐसी घटनाएं अमूमन करीब आपको जितने थाने हैं जितने इलाके हैं सभी जगह देखने को मिल जाएगी, क्योंकि बगैर मिली भगत के छोटा साइकिल से कोयला पार हो या ट्रक से कोयला पार हो कहीं से कोई चूकता नहीं है, बगैर सब कहीं ना कहीं किसी न किसी की मिली भगत रहती है, चाहे वो निचले स्तर से हो, चाहे मध्यम स्तर से हो या ऊपरी स्तर से हो। तो ऐसी जो कार्रवाई हो रही है सीएम की, उसके बाद तो पुलिस और प्रशासन में हड़कंप तो एक तरह से कहें अंदर से तो थोड़े से भयभीत है यहाँ लोग, और ऐसे जो भी मामले सामने आ रहे हैं उसको या तो सख्ती से उस पर कार्रवाई हो रही है की जा रही है नीचे स्तर से भी, या फिर अभी फिलहाल कहीं से कोई उस तरह का कहीं कुछ ऐसी घटना।